नमस्कार, प्रदेश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां सचिवालय में बड़ा हादसा होते होते टला है। निर्माणाधीन पार्किंग बेसमेंट में क्रेन के पलटने की खबर मिल रही है। तेज बारिश के चलते मिट्टी के कटाव की वजह से ये क्रेन पलट गई। हालांकि क्रेन के पलटने से किसी को चोट नहीं आई है। अब इस क्रेन को निकालने की कोशिशें जारी हैं। शहर पानी पानी है, जिसे आप गुलाबी नगरी कहिए, स्मार्ट सिटी कहिए, उसके हालात बारिश में ऐसे हो जाते हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सचिवालय से लगा करके जो महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर भी किस तरह से हालात पेश आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। रोशन, कैसे आखिरकार ये हादसा हुआ, क्या अपडेट है? वैसे तस्वीरें बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए हेमंत, राजधानी जयपुर में जो सचिवालय है जहां से पूरे प्रदेश की सरकार और सिस्टम चलता है, उसके अंदर ये हादसा हुआ है। ये निर्माणाधीन बेसमेंट है, इसमें देर रात्रि बारिश की वजह से कटाव हो गया और उस कटाव के अंदर करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में ये जो भारी भरकम क्रेन है वो गिर गई। हालांकि इस दौरान उस क्रेन के अंदर ऑपरेटर नहीं था, जो नीचे बेसमेंट के अंदर जो कर्मचारी जो मजदूर थे वो काम नहीं कर रहे थे। अब इस क्रेन को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। हाल फिलहाल एक जो बड़ा कटाव लगा है और ये कुल मिलाकर इस वजह से भी एक खबर अपने आप में अहम है कि जिस तरीके से सचिवालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है कि किस तरीके से निर्माणाधीन बेसमेंट के अंदर जहां पे सारे इंतजाम सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद इस तरीके से लापरवाही के चलते क्रेन पलट गई। बिल्कुल रोशन, लेकिन शासन सचिवालय में ये हालात है, अनियमितताओं के कहिए या फिर जो संवेदनहीनता की जो तस्वीरें सामने आ रही है, सजगता नहीं है, तो बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे, जिम्मेदार कहां हैं? देखिए, मानसून के दौरान वैसे तो इस तरीके के बेसमेंट खोदने के ऊपर जो प्रशासन की रोक रहती है, लेकिन ये सचिवालय से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे कहा जा सकता है कि जहां से पूरे प्रदेश की सरकार चलती है, जहां से नियम कायदे कानून जिनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां के ऐसे हालात है कि 3 मंजिला गहरा बेसमेंट खोद दिया गया, उसके उसके लिए किसी भी तरीके की पाइलिंग नहीं की गई। विदाउट पाइलिंग के जो बेसमेंट यहां पर खोदा गया था, इस बेसमेंट बिल्कुल रोशन सुरक्षा कारणों पर भी कहीं ना कहीं समझौता किया गया है और ये एक तरह से देखा जाए तो लापरवाही की तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य माना, यानी कि मथुरा केस में अब अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य है और इसी के साथ हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। ये काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में है और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7-11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। कोर्ट ने अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। जन्मभूमि विवाद में कोर्ट से केस चलेगा, हाईकोर्ट से अब ट्रायल शुरू होगा, अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। अब 12 अगस्त से सुनवाई होगी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। जगह है ना भगवान आइडल, देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले
और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी। कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए उनके साथ, उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहां फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीजें वहां पूजा हमने करके साबित कर दिया, यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, तनकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अगर बात दावों की करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं, तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। यानी इन्हीं दावों के साथ हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बार फिर हिंदू पक्ष की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं साल 2014 के बाद से भारतीय नौसेना अभूतपूर्व बदलावों के दौर से गुजर रही है। नेवी के सिस्टम को जहां लगातार डेवलप किया जा रहा है, वहीं हाईटेक वेपन और मशीनरी से भारतीय नौसेना को नई ताकत दी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति का भारतीय सेना डट करके सामना कर सके। नए भारत की अत्याधुनिक होती नौसेना। दुश्मन देशों के खिलाफ बड़ी तैयारी। समंदर में भारत की शक्ति बढ़ाने वाली मुहिम। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुण। संस्कृत के इस वाक्य को वेदों से लिया गया है जिसका मतलब है महासागर के देवता हमारे लिए शुभ हों। इसी शुभ वाक्य को मोदी सरकार लगातार नई शक्ति देने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि नेवी को अब जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस दूसरी सबमरीन मिलने जा रही है। इस सबमरीन का नाम है अरिघात। ये अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक सबमरीन है। इस साल के अंत तक ये पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो सकती है। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है। ये पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देगा। 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। INS अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बच सकेंगे। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यही नहीं, जल्द ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाने का काम भी शुरू होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया जाएगा, यानी रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया वाले विजन पर फोकस होगा।
इसके बेस पर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे, यानी दुश्मन के सुरक्षा घेरे को ध्वस्त करने और आत्मरक्षा के इरादे से बढ़ते नए भारत के ये कदम नौसेना को नई शक्ति देने जा रहे हैं। तो भाई पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं और अब बड़ा सवाल यह कि आखिरकार क्या इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध का स्केल अब आगे बढ़कर के ईरान तक पहुंचने वाला है, और इसराइल ईरान वॉर शुरू हुआ तो आखिरकार क्या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। इस सवाल का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के कूम में इस ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़े युद्ध का सिग्नल है। इस्माइल हानिया के मर्डर के बाद ईरान क्या करने जा रहा है कोई नहीं जानता। ये लाल रंग का झंडा बता रहा है कि ईरान हानिया की मौत का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ग्रीन सिग्नल के बाद ये रेड सिग्नल जारी हुआ है। जामकरण की मस्जिद पर लाल परचम लहराने लगा है क्योंकि तेहरान में 30 जुलाई को हुई इस मीटिंग के बाद इस्माइल हानिया का ऐसे अंत होगा कोई नहीं जानता था। ईरान में नए राष्ट्रपति की शपथ वाले जलसे के बाद हानिया की जिंदगी चंद घंटे बाकी रह गई थी। फिर ईरान की राजधानी में वो धमाका हुआ, एक साथ ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर हैं। गाजा में हिमास हिल गया। गाजा की सुरंगों में छुपा याहिया सिनवार दहाड़े मारकर रोने लगा। अपने बॉस इस्माइल हानिया की खबर सुरंग में पहुंचते ही हमास का कमांडर याहिया सिनवार बहुत बेचैन हो गया। उसे पता चल गया कि अगला नंबर उसका है। इसराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है, लेकिन हानिया की मौत से दूसरा झटका हिजबुल्लाह को लगा। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में हानिया का मातम मनाया जा रहा है। हानिया को हिजबुल्लाह बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इसराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। इन दो पावर सेंटर के बाद ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूथी विद्रोहियों को हुदैदाह बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। पोर्ट शोलो में जल चुका है, लेकिन अब ईरान में हानिया के मर्डर के बाद यमन में भी खतरे की नई घंटी बजने लगी है। सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा या फिर ईरान लेगा सबसे बड़ा बदला। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्वीट करके कहा है कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। हमला ईरान के अंदर हुआ है, ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है, इसलिए ईरान ने जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हानिया को ईरान में खत्म करने के जवाब में नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुके हैं?
अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो उसके निशाने पर कौन कौन होगा। इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर वन बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री यो गैलेंट टारगेट नंबर दो हैं? और क्या इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर थ्री हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई क्या ऑर्डर देंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान क्या करेंगे? इस पर बहुत से सवाल हैं। लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। ईरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं। ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इसराइल को ड्रोन अटैक से तबाह करने की बातें लिखी हैं। इस पोस्टर को देखिए, लिखा है कि इसराइल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा। हम متاثر شدم و از جهتی هم خوشحال از این جهت که خداوند دشمنان ما رو از خمقا قرار داد. مکتب ما مکتب شهادت، ان شاءالله با شهادت امثال آقای حنیه نابودی اسرائیل روز به روز نزدیکتر خواهد شد. همه اینا مدعی دموکراسی نمیدونم حقوق بشر اینا بالاخره کار زشتی انجام دادن به نظر من، اونم در یه کشور دیگه. نتانیاهو کی خفیہ ایجنسیوں نے تهران میں جس مشن کو انجام دیا ہے اسے لے کر ایران کی حالت ایسی ہے कि वो बस हाथ मलता रह गया। और चलिए अब बात करेंगे प्रदेश की, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से सक्रिय हुए मानसून ने हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आखिरकार बारिश के बाद नदी नाले किस तरीके से उफान पर आ गए हैं। एयरपोर्ट, घर, दुकानें, सब कुछ डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी में बसें फंसी हुई नजर आ रही है और आम आदमी हलकान है, परेशान है। बारिश बनी आफत, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, जयपुर एयरपोर्ट और एसएमएस अस्पताल में पानी पानी। सीकर रोड के बेसमेंट में पानी का कहर, नगर निगम ग्रेटर के बेसमेंट में भी पानी से परेशानी, भरतपुर में घरों में घुसा पानी। प्रदेश में भारी बारिश ने बुधवार रात से ही तबाही मचा रखी है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी भर गया है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर के 22 गोदाम और सिविल लाइन्स इलाके में जलभराव ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में गुरुवार को भारी बारिश के चलते छुट्टी घोषित कर दी गई, लेकिन जयपुर के जामदोरी इलाके में एक स्कूल बस सड़क धंसने में फंस गई। गनीमत रही कि हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। एक तरफ स्कूल बस सड़क धंसने के चलते फंसी तो दूसरी तरफ जयपुर के सहकार मार्ग पर टाइनी टॉट स्कूल की एक दीवार बारिश के चलते गिर गई है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के सीकर रोड पर भारी बारिश की वजह से एक घर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें परिवार के 4 लोग डूब गए, जिनमें से SDRF ने एक को तो रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है ये परिवार बिहार का रहने वाला है। हम न्यूज 18 में सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी की यहाँ पर बने हुए थे, ये देखिए। और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए, उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मारो राजस्थान में। नमस्कार।